को लेकर और बड़ी अपडेट दे दें। नेताओं ने अपील की है अनशन पर बैठे मनोज जरंगे से, अनुरोध किया कि सहयोग करें और अपना अनशन वापस ले लें। ये बड़ी खबर, मनोज जरंगे से अपील नेताओं की कि वो अपना अनशन वापस लें, सहयोग करें। मराठा आरक्षण के आंदोलन का वो चेहरा है, वो मराठा क्रांति मोर्चा के नेता हैं। 8 दिन से वो भूख हड़ताल पर हैं। इसी आरक्षण की मांग को लेकर कल उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद पानी पिया था, लेकिन साथ साथ आज शाम तक मुद्दे का हल निकालने का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था। और आज जब 2 घंटे ये सर्वदलीय बैठक चली तो इसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वो सरकार के साथ सहयोग करें। तो मनोज जरांगे जो कि मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अब उन्होंने बीपी न्यूज से क्या कहा, देखिए। हमारा हक हमें क्यों नहीं मिल रहा है, मनोज जरांगे का ये बयान। उन्होंने कहा कि आरक्षण हम लेकर ही रहेंगे और हिंसा में मराठा समाज नहीं है। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में चारों तरफ आंदोलन उग्र हो चुका है और इस आंदोलन के अगुआ मनोज जरांगे पाटिल जी एक बार फिर से अनशन पे हैं। आज अनशन का 8वां दिन है। हमारे साथ खुद अनशन स्थल पे मैं पाटिल साहब के साथ मौजूद हूं। पाटिल साहब, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। नहीं, उनको आश्वासन हम अब लेने वाले भी नहीं है। हम अब रिजर्वेशन लेकर आएंगे। हमारी मांग ही इतनी है कि हम ओबीसी में पहले से आप क्यों नहीं देते, ये मांग है हमारे। रिजर्वेशन दे दो, ये मांग नहीं है। हमको क्यों नहीं दिया हमारा हक का, ये बात है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे, पहले से ही मराठा कुनबी बोल के रिजर्वेशन में है, ओबीसी आरक्षण में है। हमको क्यों नहीं दिया, ये मांग है हमारी। इसलिए महाराष्ट्र का करोड़ों मराठा एकजुट हो गया है और देश का भी पूरा मराठा हमारे पीछे खड़ा हो गया है। हमने सरकार को आज बोल दिया है, अगर आप आजकल ये आज शाम तक नहीं अधिवेशन लेंगे और मराठों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हम पानी जल वो सब छोड़ देंगे, नहीं पीएंगे, उपचार ना लेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। हम कठोर से कठोर अनशन फिर से आज शाम से शुरू करने वाले बोल दिया। ये जो आंदोलन उग्र हो रहा है, हमने देखा बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी कर ली, हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ही करना चाहता है। हम शांति से बैठे वाले हैं, करोड़ों मराठे, ये कौन करता है, वो सरकार के लोग हो सकते हैं। सामान्य मराठा अनशन पर बैठा है गाँव गाँव में और सरकार ने कितना भी जान बुझ के त्रास दिया तभी हम रुकने वाले नहीं। हम रिजर्वेशन लेंगे और वे कैसे देते नहीं हम देखेंगे, हम भी मराठे। तो ये हमारे साथ मनोज जांगर पाटिल साहब थे जो मराठा आंदोलन आरक्षण की मांग लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन पे हैं और इसके अलावा लगातार बैठकें चल रही हैं सरकारों की। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, यहाँ तक कहा कि आज शाम तक का मैं अल्टीमेटम देता हूँ, अभी तक तो मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जिम्मेवार सरकार होगी। इन्होंने ये भी कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन अजीत गुप्ता के साथ श्रीनिवास। ABP News, आपको रखे आगे।